हे गाइस, कल मैंने एक बात सुना कि आप अपने फ़ोन की जो फ्लाइट मोड है उसे ऑन कर देते हो और चार्जिंग पे लगाते हो तो आपका फ़ोन जो है थोड़ा जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि फ़्लाइट मोड ऑन कर देने के बाद में फ़ोन का जितना भी सेंसर है, जितना भी मोडेम या फिर जो भी नेटवर्क वगैरह जो भी मोडेम है वो सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद में जो है आप अगर चार्ज करोगे तो थोड़ा फास्ट तरीके से जो है आपके फ़ोन चार्जिंग हो जाएगा। तो इस बात में कितना सच्चाई है और क्या ये बात सच है, इसके बारे में हम इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बात जो है कितना दूर तक सच है। और ये मेरे पास में ये मेरा जो आईफोन है इसके साथ में हम करेंगे, और आपके पास में कोई भी एंड्रॉयड है तो भी ये ट्रिक जो है काम आने वाला है। और चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या रिजल्ट जो है देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, सबसे पहले हम अपने फ़ोन की जो फ्लाइट मोड है उसे ऑन करके ही चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी रिसेंट ऐप थे उसको मैंने क्लोज कर दिया है, उसके बाद में हम जो है चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो अभी मेरा फ़ोन का बैटरी है 15% और अभी हम पावर बैंक के साथ में फ़्लाइट मोड को जो है ऑन करके चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लाइट मोड जो है ऑन कर दिया है आपके सामने में, और अभी मैं टाइमर चला के आपको जो है चार्जिंग टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो अभी मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है पावर बैंक के साथ में, और इसी पावर बैंक के साथ में हम अगला टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। गाइस, काफ़ी टाइम के बाद में मेरा फ़ोन जो है 84% चार्ज हो चुका है, और इसमें लगे हैं हमको 1 घंटा 15 मिनट, और 1 घंटा 15 मिनट फ्लाइट मोड ऑन करके जो है फुल चार्ज हो चुका है, यानी 84% चार्ज हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे नॉर्मल मोड में कि हमको नॉर्मल मोड में 15% से 84% आने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने 84% जो है चार्ज कर लिया है, वो भी 1 घंटा 15 मिनट में। अभी अगर हम नॉर्मल मोड में बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी 15% चार्ज है, और अभी हम नॉर्मल मोड में ही इसको फुल चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कोई भी चीज़ जो है ऑन नहीं है, नॉर्मल मोड में बिल्कुल ऑन है। और यहाँ पे मैं टाइमर चला देता हूँ और इसी पावर बैंक के साथ में हम फिर से चार्ज करेंगे, और अभी हम देख लेते हैं कि कितना टाइम हमको लगता है 84% तक पहुँचने में। गाइस, काफ़ी टाइम के बाद में मेरा फ़ोन जो है फिर से 84% तक चार्ज हो चुका है, और इसमें लगे हैं 1 घंटा 25 मिनट। पिछली बार लगा था 1 घंटा 15 मिनट, तो यहाँ पे हमको 10 मिनट का जो डिफरेंस टाइम है वो है। तो यहाँ पे आप अगर अपने फ़ोन को जल्दी से चार्ज करना चाहते हो तो आप अपना फ्लाइट मोड को जो है ऑन कर दीजिए, और उसके बाद में आप अपने फ़ोन को जो है किसी भी चार्जर में या फिर पावर बैंक में चार्ज कर सकते हो। इससे आपके फ़ोन में 10 मिनट तक का बड़े ही आराम से डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी टैग लेटर प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।